लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। गर्मियों में ककड़ी का खूब सेवन किया जाता है। ज़्यादातर लोग ककड़ी को सलाद के तौर पर खाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ककड़ी का रायता खाया है? ककड़ी का रायता खाने में जितना स्वादिष्ट होता है, उतना ही सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी होता है। ककड़ी के रायते को आप रोटी, पराठे या चावल के साथ खा सकते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, फाइबर, पोटेशियम और ल्यूटीन आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ककड़ी का रायता खाने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। यह हार्ट से लेकर के पाचन तक के लिए फायदेमंद है। अगर आप इसे अपनी डाइट में नियमित रूप से शामिल करेंगे तो आपको ढेर सारे लाभ मिलेंगे। तो आइए विस्तार से जानते हैं गर्मियों में ककड़ी का रायता खाने के फायदे और इसे बनाने का तरीका। गर्मियों में ककड़ी का रायता खाने के फायदे क्या-क्या हैं, वो सबसे पहले जान लीजिएगा। शरीर को हाइड्रेंट और ठंडा रखता है। ककड़ी में 90% तक पानी होता है, जिसमें शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। गर्मियों में ककड़ी का रायता खाने से आप डिहाइड्रेशन की समस्या से बचे रहेंगे। ककड़ी का तासीर ठंडी होती है, इसलिए इसके रायते का सेवन करने से शरीर को ठंडक मिलती है। इसका अगला फायदा है, कब्ज से राहत मिलती है। अगर आप कब्ज की समस्या से परेशान रहते हैं तो आपको रोज एक कटोरी ककड़ी के रायता का सेवन करना चाहिए। इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है, जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। नियमित रूप से ककड़ी के रायते का सेवन करने से कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। ककड़ी का रायता वेट लॉस में है मददगार। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपको ककड़ी का रायता जरूर खाना चाहिए। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर मौजूद होता है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है। वहीं इसमें कैलोरी की मात्रा काफ़ी कम होती है। इसका नियमित सेवन करने से आपको वेट लॉस करने में मदद मिलती है। ककड़ी के रायता का अगला फायदा है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ककड़ी में पोटेशियम और फाइबर होते हैं, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। नियमित रूप से ककड़ी के रायते का सेवन करने से हाई बीपी की समस्या में लाभ हो सकता है। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में भी फायदेमंद माना जाता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ककड़ी का रायता आप बनाएं कैसे। सबसे पहले जानें ककड़ी का रायता बनाने के लिए सामग्री क्या क्या चाहिए। एक ककड़ी चाहिए, एक कप दही चाहिए, दो हरी मिर्च चाहिए, आधा टी स्पून जीरा पाउडर चाहिए, दो टेबल स्पून हरा धनिया पत्ती चाहिए, नमक आपके टेस्ट के हिसाब से आपको डालना है। ककड़ी का रायता बनाने की विधि आपको मैं बता रहा हूँ। ककड़ी का रायता बनाने के लिए सबसे पहले ककड़ी को पानी से धोकर पोंछ लें। आप सारी ककड़ी का छिलका उतार लें, बीज से काट कर बीज निकाल लें, फिर ककड़ी को कद्दूकस कर लें। इसके बाद एक बर्तन में दही डालकर अच्छी तरह से फेंट लें, फिर उसमें स्वाद अनुसार नमक डालकर मिला लें। आप इसमें कद्दूकस की हुई ककड़ी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च और भुना हुआ जीरा पाउडर मिला लें। अब आप ककड़ी के रायते को करीब आधा घंटे तक फ्रिज में रख कर ठंडा कर लें। उसके बाद बारीक कटी हुई धनिया से गार्निश करके ठंडा ठंडा ककड़ी का रायता सर्व करें। तो ये था हमारा ककड़ी का रायता से फायदे और बनाने का तरीका। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं, और आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचें। धन्यवाद।